गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4, अभी 4 बज रहे हैं और आज है डेट 27 जुलाई। और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 28 को। तो आज से लेके कल तक जो भी होगा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज ही रात में मैं केक कट करूँगी नहीं, मेरे हस्बैंड करेंगे। तो मुझे मार्केट जाना है और मार्केट के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ मिलता है। अभी नीचे जाके मैं पूछ लूँगी गार्ड से कहाँ पे क्या मिलता है। तो थोड़ा जाऊँगी मैं मार्केट, उसके पहले मैं डिनर के कुछ तैयारी करके जा रही हूँ। और मुझे गुलाब जामुन भी बनाना है, तो गुलाब जामुन और कुछ तैयारी करके जाऊँगी क्योंकि आने में फिर लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में और ये देखिए, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल मखनी, उसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। और ये देखिए गंदा सा दिख रहा है लेकिन बनने के बाद अच्छा दिखेगा। ये राजमा और इधर बन रही है चाशनी। तो चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो इसमें डाल देती हूँ 2 से 3 एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप एसेंस डालती हूँ रोज एसेंस। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुशबू आता है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी और जिस कटोरी से आप नापते हैं उस कटोरी से आधा कटोरी आपको ये लेना है, पानी लेना है। और ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है और मैंने इसमें दो इलायची भी डाला है। और ये हमारा इधर भून भी चुका है, मसाले भून चुका है, तो इसमें डाल देंगे ये। मैंने इसमें बस नमक डाल के 5 या 6 बेसन लगाया था। तो ये अभी इसको अच्छे से कुक करना है ढक के, लगभग आपको 30 से 40 मिनट कुक करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें और थोड़ा डाल देंगे पानी क्योंकि 30 मिनट में सारे पानी जल जाएंगे, तो पानी तो नहीं जलाना है। तो देखिए थोड़े पानी और डाल दी हूँ मैं और बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए बाकी की तैयारी करते हैं। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये मेरे पास ये पाउडर है गुलाब जामुन का, तो ये MTR का पाउडर है, शायद 200 ग्राम का है, नहीं सॉरी 100 ग्राम का ही है। तो इसी का मैं बनाने वाली हूँ। इसमें आराम से इतने में आराम से आपके छोटे छोटे से बनाएंगे तो 15 से 20 बन जाएंगे। और चलिए फिर बना लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो इसको कट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका डो तैयार करना है। अब मैं दूध ले रही हूँ, आप चाहे तो पानी से भी दूध तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध से करने पे थोड़ा अच्छा लगता है टेस्ट, तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो बस ये रेडी हो चुका है, तो इसके पेड़े बना लेंगे गोल गोल। उसके बाद इसको हाथ में थोड़ा सा लगा लेंगे घी या तेल, जो भी आप चाहे लगा सकते हैं, घी लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। और इसको बस ऐसे ऐसे करके गोल बना लेंगे और इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं किसी किसी में, लेकिन कोशिश कीजिए कि ना रहे। तो ये देखिए हमारा बन गया है एक परफेक्ट बिना क्रैक का। तो सेम तरीके से सभी को तैयार कर ले। तो ये सारे बन गए हैं, ये दो बड़े बड़े बन गए हैं, ये छोटे छोटे से अभी दिख रहे हैं लेकिन तलने के बाद डबल हो जाते हैं।
तो तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है आपको। और ये देखिए ये खुद ही ऊपर आने लगता है, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें हिलाना नहीं है। और ये देखिए मेरे 3-4 फट गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है क्योंकि हम लोग कभी कभी बनाते हैं। और ये देखिए हमारा गुलाब जामुन बन गया है, और छोड़ देंगे इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद खा सकते हैं। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी 3-4 घंटे के लिए, कोई जल्दी नहीं है। और जब सिरप में डालेंगे तो थोड़ा सिरप गर्म होना चाहिए तभी इसको डालेंगे बॉल्स को। तो ये देखिए मेरे बड़े वाले जो थे वही फटे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, और इसको मैं रख देती हूँ। और ये देखिए ये भी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है, तो बस अभी मैं जा तो गाइज अभी मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, और बटर भी डालना था, लेकिन बटर मैं डालूँगी खाने के टाइम में, जब गर्म करूँगी उस टाइम डाल दूँगी। तो फिलहाल मेरा हो चुका है, और आने के बाद आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम या घर का जो मलाई होता है वो उसको भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही, मैं सिंपल से ही बना रही हूँ। और चलिए मैं आने के बाद रोटी वगैरह सेक लूँगी, रोटी या पराठा जो भी बोलेंगे वो बना दूँगी मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा दिया जलाने क्योंकि शाम हो चुका है, और उसके बाद रेडी होकर मैं जाऊँगी मार्केट। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है मार्केट में, फिर उसके बाद आके मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्योंकि कुछ बलून है मेरे पास पहले से ही, देखते हैं कुछ डेकोरेशन का सामान मिल जाए कि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये है सो गाइस अभी हम लोग मार्केट में आके हैं, और ये देखिए मेरी बेटी वो डर भी रही है, और ये देखिए क्योंकि ये पहली बार जब बैठी है तो थोड़ा सा डर लग रहा है, और ऐसे बोले में हंस रही है। मज़ा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटी। ये गुलाब सो गाइस ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है, ये है दाल मखनी और रोटी, और ये है गुलाब जामुन। तो चलिए कुछ खा ले। सो गाइस अभी 11:30 हो रहा है, और मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है क्योंकि मार्केट भी काफ़ी दूर था, मतलब 5 किलोमीटर था, और तो उधर से आने में फिर डिनर बनाने में, फिर उसके पहले भी आप लोग देखे हैं कि वो गुलाब जामुन वगैरह बना के गई थी मैं। तो मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की हूँ, बस थोड़े बहुत जो मेरे बर्थडे में बलून बच गए थे वही बलून लगाए हूँ, दूसरा बलून नहीं लेके आई हूँ क्योंकि देख लेते। तो ये मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, बस थोड़ा ही है किधर है, और ये देखिए थोड़े बहुत बलून लगा दिए हैं हमने क्योंकि ज़्यादा मुझे मिला नहीं है डेकोरेशन का, जो बैनर होता है बर्थडे बैनर, तो मैं गई थी लेने लेकिन मुझे मिला नहीं। तो चलिए फिर काम चला लेते हैं इसी से। तो अभी 1/2 घंटा और टाइम बचा हुआ है, तो चलिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, बेटी भी रेडी हो चुकी है, हस्बैंड बाकी है, हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी रेडी हो जाएंगे तो फिर केक कट कर लेंगे। सो गाइस अभी 12 बजने ही वाला है, और ये अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने लगी, तो चलिए हम लोग केक को तब तक खोल लेते हैं। और ये केक खाने के लिए जगी हुई है ना बाबू, अच्छा लगता है ना केक तुमको? केक अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है केक। Thank you.
पापा का बर्थडे है ना इसलिए। हाँ पापा का बर्थडे है, चलो पापा को हैप्पी बर्थडे बोलते हो। हाय चू चू, हाय चू चू, ये खा लीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी आज सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ छोले और पूरी, और वही छोले ऑलमोस्ट बन चुका है और बस पूरी तलना है। ये हमारा ब्रेकफास्ट छोले पूड़ी और मिठाई। गाइज अभी 8 बज रहा है और ऑलमोस्ट डिनर बन चुका है, बहुत सारा मैं बनाई हूँ, बहुत सारे चीज़ तो रेसिपी शेयर नहीं की हूँ क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में भी मैं बताई थी कि मेरा स्टैंड टूट गया है। तो चलिए फिर मैं दिखा देती हूँ आप लोग को क्या क्या बनाई हूँ, बस पूड़ी रह गया है तलने के लिए। तो गाइज ये है आज का डिनर, ये पुलाव और ये है छोले सुबह का, और ये सैलेड, और ये परवल फ्राई, और ये है सेवई, सेवई की खीर, और ये है पालक पूड़ी, और ये मटर पनीर, और ये गाइस खाना पीना हो गया और मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो चलिए हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।